आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए देखिए, शनि का ये गोचर आपके लिए मैं कहूँगी मिक्स रिजल्ट देने वाला है। शनिदेव आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर करेंगे, तो छठे भाव में क्योंकि ये छठे भाव के अधिपति हैं, तो शनिदेव आपकी राशि चाहे कन्या हो या लग्न हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप लंबी बीमारी से परेशान थे तो आपको जल्दी छुटकारा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये समय आपके लिए, अगर बीमारी में कोई दवा काम नहीं कर रही थी, तो इस समय आपके लिए छोटी से छोटी दवा भी बहुत बड़ा काम करेगी, क्योंकि शनि दवाइयों के कारक है। आपके स्वास्थ्य में चल रही परेशानियाँ इस समय में ठीक हो जाएंगे, आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति भी लग्न को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारी के घर में शनिदेव आकर बीमारी को ठीक कर देंगे। तो आपके लिए तो शनिदेव का आना उत्तम हो गया, पुराना कोई फंसा हुआ धन आपको इस समय वापस जरूर मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखिए, ये समय आपके लिए, अगर आपके ऊपर पिछले चल रहे कर्जे भी हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, आपके कर्जे यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी या मुकदमा चल रहा था, तो वो भी आपके फेवर में यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। आपको पिछले बहुत टाइम से परेशान कुछ भी कर रहा था, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो या कोई पड़ोसी आपको परेशान कर रहा था, तो आपको उससे भी जल्दी यहाँ पर छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। बस शर्त एक छोटी सी है कि आप कोई गलत काम मत कीजिएगा। आपने गलत नहीं किया तो चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर रहेंगी। किसी मासूम को फंसाने का काम या किसी मासूम को दुखी मत करिएगा। आपके घर अगर मेड काम करने आती है, आपके लोअर, आपके जो भी लोअर लेवल के लोगों से आपकी बातचीत है, उनको गाली गलौज मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी तरक्की को होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपकी पिछली नौकरी से अच्छी नौकरी आपको मिल रही है, आप जिस जॉब में हैं और आपको लग रहा है कि मुझे उससे भी अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत 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 बढ़िया है आपके लिए। मतलब मैं कहूँगी कि ये पीरियड आपके लिए इतना अच्छा है, लेकिन आपके कर्म के अनुसार। अगर सिर्फ सोचते रहेंगे, आलसी बने रहेंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, और कर्म करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, जिसमें आपको फायदा जरूर होगा। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होते हुए नजर आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और आपकी मेहनत से आपके रास्ते बहुत अच्छे और नए नए रास्ते यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं कारोबार में, अगर आपके बहुत पुराने समय से परेशानी थी, तो वो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। आपका कोई भी लंबे समय से काम पेंडिंग था, तो वो पूरा हो जाएगा। तो ये समय अगर मैं बोलूँ, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको आपका रुका हुआ पैसा यहाँ ज़रूर मिलेगा, और आपको अर्निंग्स आती भी रहेगी। फिजूल खर्ची से बस बच के रहिएगा, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर फिजूल खर्ची आपकी अब तक चलती आ रही थी, तो वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन मैं बोलूँ आपका होने वाला था, तो पेंडिंग था, इस समय वो भी जरूर हो जाएगा। किसी बीमारी के चलते मैं कह रही हूँ, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या थी, तो वो इस समय आपको समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, और आपकी रिकवरी भी इस समय बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। बस बेकार के लड़ाई झगड़े से, क्रोध से, वाद विवाद से अपने आप को बचा के रखिए। किसी संपत्ति से अगर मैं बोलूँ, आपको हो सकता है किसी संपत्ति से धन की प्राप्ति हो, संपत्ति भी खरीद लेंगे आप, लेकिन कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप हो सकता है सेल करके उससे आपको अच्छी अर्निंग मिल सकती है। अगर लंबे समय से आप ऐसा सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो ये बहुत ही उत्तम समय है आपके लिए। जो लोग कंसल्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए तो मैं कहूँगी गोल्डन पीरियड आ गया है। बस किसी को गलत सलामत दीजिएगा, लालच में आके कोई सलामत दीजिएगा, सामने वाले का फायदा ज़रूर होना चाहिए, अपने फायदे को बाद में देखिएगा। और ऐसा सोचेंगे, ऐसा सोच के चीज़ों को करेंगे, तो आपके मान सम्मान में यहाँ पर वृद्धि होते हुए नजर आ रही है।